कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंद्रनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री समीद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रुपए मात्र, सदस्यता एक वर्ष के लिए 11,000 रुपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN00631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICICI00250। जन्म मरण और जरा रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य चेत और काल भाव भव परिवर्तन सहता, छेदन वेदन नरक पशु गति बद बंधन सहना, राग उदय से दुख सुर गति में कहाँ सुखी रहना। क्या कहे? जन्म मरण और जरा रोग से, जन्म का बहुत दुख होता है और जन्म के बाद भी बहुत दुख होता है। जन्म मरण और जरा रोग से, तीनों रोग ऐसे हैं जिनमें एक क्षण को शांति नहीं मिलती है। अब अपना पेट दुख रहा है और बच्चे को भी माँ समझ रही है कि उसके पैर दुख रहे हैं। कोई तकलीफ है, भूख है, प्यास है, अपन कितना भी खिला दो लेकिन उसकी वेदना को कोई नहीं समझ सकता है। और जन्म के पहले 9 महीना, बड़ी अच्छी बात कही है आचार्य ने कि यदि माँ चलती है तो ऐसे लगता है जैसे उसको किसी ने उल्टा फटक फटक के मारा है, यदि वो कुछ फीसती है कूटती है तो लगता है जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं, इतनी इतनी वेदना बताई। यदि कुछ गर्म खाती है तो उसकी देह जल जाती है, तड़फ उठता है। और एक दो दिन नहीं, 9 महीने, लोग कहते 3 महीने तक तो शरीर ही नहीं बनता। शरीर नहीं बने तो क्या हुआ? पर्याप्ति तो अंतर मुहूर्त में पूरी हो जाती हैं। तो कहा है जन्म मरण और जरा रोग से, मरण की वेदना भी कम नहीं होती है। जब देह से प्राण निकलते हैं तो आपने देखा होगा अधिकांश व्यक्ति तड़पते हैं लेकिन प्राण जल्दी से निकलते नहीं हैं, बहुत तकलीफ होती है। और इसीलिए क्या आदमी मरण से घबराता है और कहते जरा रोग से, मरण से बुढ़ापा बुरा है क्योंकि बुढ़ापे में हाथ पैर काम करते नहीं और तृष्णा दुगनी बढ़ती है। और कहते द्रव्य क्षेत्र और काल भाव भव परिवर्तन सहता, हमने कौन सा द्रव्य पुद्गल का ऐसा है जो हमने धारण नहीं किया? हमने हर प्रदेश पर जन्म लिया है, हर क्षेत्र में जन्म लिया है, निगोद से लेकर हमने कहाँ 16वें स्वर्ग तक, उसके ऊपर गए नहीं आज तक, 9 ग्रीवक तक कभी इतनी अच्छी मुनि अवस्था धारण नहीं की। लोग कहते हैं मिथ्या दृष्टि चले जाते, ऐसी मिथ्या दृष्टि नहीं जाते हैं, मुनि बनने वाले जाते हैं लेकिन भाव में मिथ्या तो है। तो कहते हैं हमने आज तक ऐसी पर्यायों को धारण नहीं किया। मैंने एक दिन कहा था आप पर्याय याद करके आना, हमने आज तक कौन कौन पर्यायों को धारण नहीं किया। तो हम लोकांतिक नहीं बने, हम सची नहीं बने, हम माता पिता नहीं बने, हम नारायण प्रति नारायण बलभद्र नहीं बने। यदि वो भी बन जाते तो वो भी निकट भव्य है। हम ऐसी पर्यायों को धारण नहीं किया। फिर क्या किया? काल भाव भव परिवर्तन सहता, हमने प्रत्येक काल में, प्रत्येक काल के प्रत्येक समय में, आप देखो हमने इतनी जीवन धारण किए हैं हर पर्याय में कि एक निगोद की पर्याय से लेके नरक की पर्याय में यदि 10,000 वर्ष से शुरू होती है तो हमने 10,000
एक 10,000 दो ऐसे करके पूरी पर्यायें धारण की हैं, एक दो बार नहीं, और फिर भी और क्या करते हैं, त्रियंच गति में आओ तो छेदन भेदन का दुख, मनुष्य गति में आओ तो चिंताओं का दुख। मनुष्य जितना चिंतित रहता है इतना जानवर भी नहीं रहता है, क्योंकि जानवर की अपनी चिंताएं हैं। चिंताएं क्या मतलब, उन्हें तो सिर्फ बोझ ढोना है या खाने पीने की चिंता है, अपन को तो परिवार की, सम्मान की, लोग कोई क्या कहेगा इसकी बहुत चिंता है। एक पिता घमंडी था, बहुत पैसा था, और गरीबों की बस्ती में बेटी को ले गया और कहने लगे, देख हमने तेरे को कितनी सुविधाएं दे रखी हैं, हमारी और इनकी ज़िंदगी में तुलना कर, ये बेचारे कितने गरीब हैं, इनके यहाँ कुछ नहीं है, हमने देख तेरे लिए कितनी बड़ी कोठी बनवाई है, तेरे लिए कितनी बढ़िया स्विमिंग पूल है, और हमारे यहाँ कितनी सुविधाएं हैं। लेकिन बच्चे का नज़रिया देखो, बच्चा अपने पिताजी से बोला, पिताजी ये लोग कितने अमीर हैं, हमारे घर में एक कुत्ता है, इनके घर पर कितने कुत्ते हैं। यानी जंगल में तो वैसे ही घर था, जंगल में गरीबों की बस्ती तो कुत्ते बहुत रहते हैं। तो कहने लगे, पिताजी इनके यहाँ कितने कुत्ते हैं, पिताजी ये लोग कितने अमीर हैं, अपने यहाँ तो कुछ पेड़ लगे हैं, इनके यहाँ कितने पेड़ हैं। यानी जंगल था तो पेड़ ही पेड़ थे। उसने कहा, पिताजी अपन तो जब कभी बाहर निकलते तो चांद निकलता है अपने घर में, ये लोग कितने अमीर हैं पिताजी, इनके घर तो पूरे दिन चांद निकलता है, ये लोग इतने अमीर हैं कि पिताजी हमें तो अनाज खाना हो तो खरीद के लाना पड़ता, और इनके घर तो ये तो अनाज पैदा करते हैं, ये लोग कितने अमीर हैं पिताजी, अपने घर में तो सिर्फ 3-4 लोग रहते हैं, इनके घर पर देखो कितना कितने सारे लोग रहते हैं, और इनका आंगन कितना बड़ा है। यानी जंगल था तो सारा आंगन ही समझ लो, मैदान था। तो पिताजी से बच्चे ने इतनी अच्छी बात कही, पिताजी हम तो सिर्फ पैसे से अमीर हैं, ये लोग दिल से कितने अमीर हैं, क्योंकि हम इनके आए तो इन्होंने खाने को पूछा, आपके घर कोई आता है तो आप ढंग से बात भी नहीं करते हो, तो ध्यान रखना इस बात से अमीरी देखी जाती है कि इंसान का व्यवहार कैसा है। परमात्मा तुम्हारे चेहरे पर नहीं नज़र रखते हैं, परमात्मा तुम्हारे चित्त पर नज़र रखते हैं, क्योंकि आज के समय में कोई आ गया तो प्लेट भर खिलाते हैं, पहले पेट भर खिलाते थे, पहले कोई आ जाए तो खाना खा जाओ, आप कहने लगे नाश्ता तो लेके जाओ, अब खाना को कौन टोकता है, बहुत कम लोग टोकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आज हमारा दिल बहुत छोटा हो गया है, आज हम कहते हैं हमने विकास किया, हमने विकास कहाँ किया है। पहले हर इंसान ये भावना भाता था कि एक अपने बच्चों की जिम्मेदारी से पूरा होकर हम संन्यास की तरफ जाएंगे, और कहते हैं कि वास्तव में आरंभ ही तापकान प्राप्त है, कि आरंभ में भी संसार में दुख है, बीच में भी दुख है भोगों में, और लास्ट में भी दुख है, हमारे तीनों पन चिंताओं में निकल जाते हैं। बचपन में किताबों का बोझ, जवानी में जिम्मेदारियों का बोझ, और बुढ़ापे में दुख तकलीफ इतनी हो जाती हैं कि बस लोग कहते हैं हम बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, हमने कहा पहले धर्म कर लो। धर्म कर लो का मतलब है अपना ज्ञान तो करो कि वास्तव में हमारी ये पर्याय नाशवान है। जो लोग भी अपने चित्त से प्रसन्न रहते हैं, प्रसम संवेग अनुकंपा और आस्तिक, प्रसम का मतलब है हमारे अंदर प्रशस्तता रहना चाहिए। हमारे अंदर प्रशस्तता कैसी रहनी चाहिए कि जब भी कोई आए तो हम प्रसन्नता से, हम कोई कोई बात को लेकर दुखी होते रहते हैं, हम किसी किसी बात को लेकर, हम किसी बात को सोच सोच कर दुखी होते हैं, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। सम्यक दृष्टि जीव लाखों वर्षों तक जीऊ या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी वह या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। देव गति में भी जाता है तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में यही अंतर है। मिथ्या दृष्टि इसलिए गलत जगह पैदा हो जाता है, सोचता है कि माँ के घर में जाऊंगा तो ऐसे ऐसे दुख होंगे, दुख से घबराता है तो और दुख पाता है, एक इंद्रिय में चला जाता है।
लेकिन सम्यक दृष्टि जीव भी जानता उसे तो और अवधि ज्ञान ज्यादा है, लेकिन वो जान कर भी ये नहीं सोचता है कि मैं माँ के घर में जाऊंगा, वो ये सोचता है कि दुख तो हमने अनादिकाल से भोगे हैं, अब माँ के घर में भले ही जाना पड़े लेकिन अब दोबारा गर्भ धारण गर्भ में ही नहीं जाना पड़ेगा, एक बार जाएंगे तो परमात्मा जैसा स्वरूप प्राप्त करने की हमें शक्ति मिलेगी, क्योंकि देव तो दोनों देव होते हैं, एक भोगों के लिए तरसते तरसते मर जाते हैं मिथ्या दृष्टि जीव, और एक सम्यक दृष्टि भोगों को भी जेल समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं तो कुछ सागर के लिए मिली है, कुतवाली दिन चार वही फिर कृपा और जाली, कुतवाली चार दिन ये भोगों को क्या भोगना, भोगों में रहते हुए भी लोकांतिक देव क्या है तत्व चर्चा करते हैं सोचो सागरों पर्यंत, इसलिए देवों में भी देव ऋषि कहे जाते हैं, और जितने जितने ऊंचे जाति के देव हैं गति शरीर परिग्रह अभिमान तो ही ना, उनकी गति नहीं है गमन ही नहीं है ज्यादा, परिग्रह कम है और अभिमान भी कम है, बड़े बड़ाई ना करें बड़े ना बोलें बोल, हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारो मोल, वो अभिमान नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता है अभिमान किसका करना, लोगों ने सम्यक दर्शन में कारण बताया है कि देव रिद्धि दर्शन, देव रिद्धि दर्शन का मतलब है कि देवों को देखकर एक तो ईर्ष्या करता है और एक ये सोचता है कि इन्होंने तपस्या की है उसका परिणाम इन्हें मिला है, तो हमें क्या करना है, हमें गति भी कम करना है, यहाँ तो रोज महिलाएं छुट्टी होगी बोले आज चलते हैं कहीं घूमने चलते हैं, अरे क्या घूमना, बहुत घूमे हो घूमने में कमी रह गई क्या, 84 लाख योनियों में घूमे ही तो और क्या किया है, कहीं जाते हैं आजकल शादी के बाद तुरंत लोग घूमने जाते हैं, कहाँ वो मरघट देखने जाते, सच पूछो क्या है विदेशों में जगह जगह भले वो कुछ भी कह लो बड़े बड़े स्तूप मॉल आदि बने सब क्या है, सब वहाँ पर नॉन वेज आदि सब चलता है और वहाँ अपन लोग जाकर शौक मानते हैं, अपने अंदर जब बच्चा घर में नहीं आता उसके पहले से सोचो कि जब आए बच्चा तो हमारा बच्चा तो ऐसा बने कि आखिरी माँ बनू उसकी, इष्ट मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, जो सदा संकल्पित है वर्षों से संकल्पित है, आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, क्षेत्रों पर
साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आतुरता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागरवाद जी का आगमन हुआ, उन्होंने यह अव्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के उस समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या सृष्टि भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चतुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराधी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्माण भूमि शाश्वत निर्माण भूमि समय से गल है, यहाँ पर संतजन मुनिजन गुरुजन रत्नोदय के धारियों को गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आतुरता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा लेकिन शाश्वत निर्माण भूमि पर संतों मुनियों गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों मुनियों गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500525, IFS कोड ICICI 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोराव मल पहाड़िया जैन मलाड़ मुंबई, श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन हांसी हरियाणा, श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा मानसरोवर जयपुर राजस्थान, श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन शिरपुर धुलिया महाराष्ट्र, पुत्र श्री जयेश जैन ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका।